कि मेरे साथ निकालिए मती रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय उसका 13-20 वचन, पांचवा अध्याय उसका 13-20 वचन। भाई जगसीर अपने स्थान पे खड़ा होगा, इन वचनों को पढ़ेगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कितने लोग वचन सुनने के लिए सच में तैयार हैं? तो इसलिए अपने दिमाग को खोलना है, अपने कानों को खोलना है, ठीक है, इधर उधर के विचारों को 20 मिनट या 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वचन को आप बड़े गहराई से सीख सको। ये जो वचन है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार पहाड़ी उपदेश है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये हमने पिछले संडे कुछ बातों को सीखा था, जो भाई बहन पिछले रविवार आए थे। हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है जो पहाड़ी उपदेश है। पहाड़ी क्या है? पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह का बहुत बड़ा संदेश है जो 3 अध्यायों में आता है, 3 चैप्टर्स के अंदर शामिल है। तो एक रविवार को हम 3 चैप्टर्स प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए हमने 3 या 4 संडे लिए हैं, ताकि आपको ये पता हो। हर एक मसीह को पहाड़ी उपदेश पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए? हर एक मसीह को, क्योंकि ये यीशु की बातें हैं, यीशु की शिक्षाएं हैं, और इन पहाड़ी उपदेशों के बारे में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। यह संदेश चेलों के लिए था। किसके लिए था? चेलों के लिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश शुरू देने शुरू किए तो उसने पहाड़ पर चढ़ गया और तब चेले उसके पास आए। तब यीशु मसीह चेलों को कहने लगा, अपने आप को चेला मानिए। आप यदि प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर, और जो आप प्रार्थना यहाँ से ग्रहण करते हैं, जब नए लोगों को सुनाते हैं तब आप चेले हैं। नए लोगों को जाकर वचन सुनाते हैं तब आप चेले हैं, नए लोगों को जाकर गवाही देते हैं तब आप चेले हैं। हालेलुया। अच्छा, एक आज आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, गवाही क्या होती है। मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा मोटरसाइकिल मुझे मिल गया, मुझे कोई समस्या हल होगी, वो बड़ी गवाही नहीं है। बड़ी गवाही पता क्या है? मेरे पाप माफ हो गए। हालेलुया। इससे बड़ी गवाही कोई नहीं है। तो कोई ये ना कहे जब आपको गवाही के लिए बोला जाए कि आपकी गवाही क्या है, ठीक है, या आपको गवाही देने के लिए कहा जाए, तो ये नहीं बोलना है कि मेरे पास तो कोई गवाही नहीं है। हर एक मसीह 24 घंटे अपने साथ गवाही रखता है। हालेलुया। हर एक मसीह 24 घंटे क्या रखता है? गवाही रखता है। वो गवाही क्या है? कि मेरे पाप माफ हो गए। और जो उस गवाही को आगे जाके बताता है वो चेला होता है। हालेलुया। तो जो आज यहाँ पर आगे जाके गवाही बताएगा वो चेला है। तो उन्हीं चेलों के लिए आज का वचन है। हालेलुया। दूसरी बात, वह उन्हें यह जताना चाहता था कि वे सभी अभी परमेश्वर की पवित्रता से बहुत दूर हैं। हम इंसान हैं, बिना उसकी बातें जाने, बिना परमेश्वर की संगति करे हम उसकी पवित्रता में नहीं बढ़ सकते। बिना परमेश्वर की बातें जाने, बिना उसके वचनों को सुने, बिना उसके दासों के साथ बातचीत करे हम उसकी पवित्रता में नहीं बढ़ सकते। तीसरी बात, वह उन्हें परमेश्वर का ज्ञान देना चाहता था। हमें परमेश्वर का ज्ञान का मतलब हमें परमेश्वर की बातें पता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए आगे देखते हैं। ये फोटो आप पहले भी देख चुके हो,
यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा है नेक्स्ट, और यहाँ पर एक मूसा है परमेश्वर का दास, उसने भी अपने लोगों को परमेश्वर का आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी। नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ पर बैठा है, अपने चेलों से बात कर रहा है। पुराने नियम के अंदर भी मूसा पहाड़ पर बैठ के अपने लोगों को दे रहा है। जब मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत के बाद वापिस आया, अब यहाँ पे फर्क क्या है? क्या यीशु मसीह ये कह रहा है कि मूसा की बातें गलत हैं? नहीं, यीशु मसीह उन बातों को और मजबूती से मानने के लिए कह रहा है। हालेलुया, इन बातों को ध्यान दीजिए। आइए अब हम धीरे धीरे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बोलिए, पढ़िए मेरे साथ, नमक हो। हाँ, फिर वह किसी काम का नहीं केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम क्या हो? तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले नमक हो। ठीक है, और नमक के बारे में पहले बात देखेंगे। ये क्या है? जिसका स्वाद बिगड़ जाए। हम मसीह हैं लेकिन बहुत बार हम क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक है, चर्च तो आते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि कोई नमक अलग हो जाए या उसका नमक का स्वाद अलग हो जाए। नमक का स्वाद कभी भी अलग नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा बिगड़ सकता है। पता कैसे बिगड़ सकता है? जब दूसरे केमिकल उसके अंदर मिला दिए जाए तो थोड़ा सा स्वाद बिगड़ सकता है। ऐसे ही मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं हो सकता, लेकिन बिगड़ जरूर सकता है। हालेलुया, इसलिए अपने आप को बिगड़ने से बचाना है। आइए अब हम आगे कर पढ़ते हैं ध्यान से। नमक से संबंधित तथ्य, नमक से संबंधित कुछ बातें जो यीशु मसीह ने हमें कहा है। हालेलुया, पहली बात, प्राचीन सभ्यताओं में इसे दोस्ती का चिन्ह माना जाता था। क्या माना जाता था? कितने लोगों ने फिल्मों में देखा कि तूने मेरा नमक खाया है, देखा? वो नमक का मतलब उस समय में क्या होता था, नमक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर हम किसी के घर में भी जाते हैं तो खाने में अगर मिलाता तो नमक लाते, नमक बहुत वैल्यूएबल माना जाता था। अगर नमक के साथ उन्होंने कोई संधि कर ली या कोई डील कर ली, ठीक है, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। यानी उनकी हाँ में हाँ और ना में ना। क्या है लिखा हुआ है? अगर आप पृथ्वी के नमक हो इस वचन के अनुसार, आपने बोला है कि मैं 10 बजे आऊंगा तो कितने बजे आऊंगा? अगर आप पृथ्वी के नमक हो और आपने बोला है कि मैं नए लोगों को जाके वचन सुनाऊंगा तो हालेलुया। दूसरी बार आवाज नहीं आई, पहली बार तो बहुत आ गई। ठीक है, खुद आना बहुत बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को लेके आना मुश्किल है। पृथ्वी के नमक का ये गुण है, जो आपने हाँ करी है उसको पूरा करो। हालेलुया। नेक्स्ट लिखा है, यह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के काम आता है। नमक यानी जो खाने वाली चीजें हैं, अचार में क्या डलता है? वो नमक, वो रोल जो होता है वो नमक का होता है कि लंबे समय के लिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो चीजों को लंबे समय तक रखता है। हम में से कितने हैं जो अगर नमक है परमेश्वर की बातों को सिर्फ रविवार तक रखते हैं? हालेलुया, आपके लिए ये वचन प्रार्थना में बैठ के परमेश्वर से सीख कर लाया हूं मैं। अगर आज आपको ये वचन समझ आ गया, देखना आप अपने घर वालों को भी लेके आओगे, अपने बच्चों को भी टाइम पे लेके आओगे। हालेलुया, सुनो ध्यान से, यह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने काम आता है। वचन के अनुसार परमेश्वर में बने रहे ताकि लंबे समय तक परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, लंबे समय तक। अगर चाहते हो कि परमेश्वर में लंबे समय तक उन्नति करते रहो, लगातार उन्नति करते रहो, तो क्या करना है? नमक की तरह बनना है। हालेलुया। नेक्स्ट, पुराने समय में यह जख्मों के कीटाणु मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जख्म जो होता है पुराने समय में क्या होता था? कीटाणु। आजकल आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मैडम क्या करती, अगर उसके मुंह में छाला होता वो कभी दवाई नहीं खाती, वो नमक लेती है और छाले पे रख लेती है और थोड़ी देर पेन बेयर करती है, लेकिन वो छाला ठीक हो जाता है। समझो इस बात को कि जो नमक होता है वो जख्मों को ठीक करता है। हम में से कितने हैं जो नमक है, जो दूसरों के पापों को बोलते हैं कि तू पापी है, परमेश्वर के पीछे आ जा। हमारे घर में हमारा घर का मेंबर ही गलत काम कर रहा है, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आप पृथ्वी के नमक हो तो उसको बोलो कि तू गलत कर रहा है, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के कोप का भय खा। अगर आप सच में पृथ्वी के नमक हो तो उनके पापों पे जाके नमक छिड़को, किसका? वचन का। हालेलुया, ताकि उसके पाप खत्म हो जाए। उसको पेन जरूर होगा लेकिन बाद में वो ठीक होगा। हालेलुया, हर
पीछे पीछे पीछे, हर प्रकार के पाप को खत्म करने वाले बनो ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सको। हालेलुया। अगर किसी का पाप खत्म करोगे तभी वो आशीष पाएगा। बिना किसी का पाप खत्म करे आप किसी को आशीषित नहीं कर सकते। अगर चाहते हो किसी को आशीषित करना तो पहले नमक बनो, पहले गवाही देना सीखो ताकि उसके पहले पाप क्षमा हो, फिर वो आशीषित हो सके। हालेलुया। आशीषित किससे? कि वो स्वर्ग राज का अधिकारी हो सके। और जो कोई स्वर्ग राज का अधिकारी है वो धर्मी कहलाता है, और वचन के अनुसार धर्मी जन को किसी चीज की थोड़ नहीं होती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट, यह शरीर में प्यास बढ़ाता है ताकि स्वस्थ रह सके। हालेलुया। क्या रह सके? स्वस्थ रह सके। प्यास निरंतर रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के प्यासे होना है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नमक होंगे तो आप लगातार, यानी इस वचन के अनुसार नमक की तरह व्यवहार करेंगे तो आपको प्यास लगती रहेगी। किसकी? परमेश्वर के वचन की। किसी के घर पे आराधना तो आप वचन के टाइम नहीं पहुंचोगे, आप पहले पहुंचोगे, क्योंकि आपको पता है कि आज मुझे वचन मिलेगा, आज वहां पे प्रार्थना होगी, आज वहां पर दो या तीन जन जब इकट्ठा होंगे तो परमेश्वर वहां पे मौजूद होगा, तो भाग के मैं प्यासा हूं और उस पानी को पीने जाऊंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आया कि नमक के क्या क्या गुण है? ये गुण अगर आप अपने अंदर लोगे, अब ये मत बोलना कि नमक ज्यादा खाने से बीपी भी बढ़ जाता है। वो एक नमक का कुछ गुणों को यीशु मसीह ने इन चीजों का उदाहरण क्यों लिया? यीशु मसीह ने इन चीजों का उदाहरण लिया उनकी समझ के अनुसार, ठीक है? यानी यीशु मसीह बहुत क्रिएटिव था, ठीक है, ताकि आपको परमेश्वर का वचन समझ में आए, ठीक है? तो इस बात को, जो आपको गुण बताए गए हैं इसके अनुसार चलना है, ठीक है? इसके अनुसार लोगों के पापों को खत्म करो, जो आपने कहा है वैसे बने रहो। एक बार फिर से हम देखेंगे, एक नंबर पीछे करो, दोस्ती का चिन्ह, यानी मतलब जो आपने कह दिया, अगर आप परमेश्वर वचन के अनुसार पृथ्वी के नमक हो, आपकी हाँ में हाँ होनी चाहिए। यानी आपने इस बार का वायदा किया है कि हम दूसरों को जाके गवाही दें, कितने लोग दूसरों को जाके इस संडे गवाही देंगे, इस हफ्ते कितने लोग? हालेलुया। गवाही देना बहुत जरूरी है। जो मसीह गवाही नहीं देता वो मसीह मसीह नहीं है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, अगर आप सच में मसीह हो तो दूसरों को जाके गवाही दो। हालेलुया। नेक्स्ट, लंबे समय तक, अगर आप नमक हो तो परमेश्वर की बातों को लंबे समय तक रखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक परमेश्वर की बातें आप में बनी रहेंगी आप जड़ पकड़ोगे, और जड़ पकड़ते हुए आप गहरे जाओगे, और जितना गहरे जाओगे उतना ऊपर आपका तना होगा। हालेलुया। नेक्स्ट, पुराने समय में जख्मों के जो कीटाणु होते जम्स मारने के काम आता था। और नेक्स्ट आगे देखिए, और यह शरीर में प्यास बढ़ाता है, वचन के अनुसार नमक की तरह बनो ताकि लगातार उसके प्यासे बने रहो। हालेलुया। सिंपल भाषा में कहते हैं बिल्कुल खरे बनो। हालेलुया। ठीक है, और बिगड़ो ना ताकि आप पैरों के नीचे रोंदे ना आ जाओ। हालेलुया। ठीक है, हम पैरों के नीचे, शैतान के पैरों के तीले पता कब रोंदे जाते हैं? जब हम बिगड़ जाते हैं, जब हम क्या हो जाते हैं? बिगड़। इस वचन में लिखा है, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके। जब हम बिगड़ जाते हैं तो तब हम किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक ही काम होता है कि पैरों के नीचे। पैरों, किसके पैरों के नीचे? शैतान के पैरों के नीचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आइए 14वां वचन, वहां पे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। क्या कहा गया है? तुम जगत की क्या हो? ज्योति का मतलब लाइट, मतलब अगर कोई अंधेरे में है तो वो रोशनी की तरफ बढ़ेगा। हालेलुया। वो क्या बढ़ेगा? रोशनी की तरफ। पहले अभी हमने नमक सीखा, इस वचन के अनुसार नमक के बारे में सीखा, और अब ज्योति के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट, नमक और ज्योति के बीच में पहले जो यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दी, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बीच में अंतर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? नमक आंतरिक रूप से कार्य करता है, यानी हमारे अंदर से काम करता है। अगर हम नमक की तरह बनेंगे तो हमारा आत्मा, हमारा मन साफ होगा। ज्योति बाहरी रूप से कार्य करती है। क्या बाहरी रूप से? ज्योति का मतलब ये, अगर हम आंतरिक रूप से साफ होंगे और बाहरी रूप से जब हम काम करेंगे तो वो रोशनी लोगों को दिखेगी। हालेलुया। किसको दिखेगी?
लोगों को। दूसरी बात, नमक हमारे आत्मिक जीवन के बारे में, कौन से जीवन के बारे में है? और ज्योति हमारे शारीरिक जीवन के बारे में है, क्योंकि लोग इसे देख सकते हैं। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करना, बंद कमरे में प्रार्थना करते रहना, अपने आप को सही रखना काफी नहीं है। अगर आपने अपने आप को सही कर लिया है तो दूसरों को भी दिखाना पड़ेगा कि मैं यीशु का चेला हूं। हालेलुया। बिना दिखाए अपने आप को संभालेंगे तो आप इस वचन के अनुसार अपने आप को पूरा मसीह नहीं दर्शा रहे। हालेलुया। नमक आंतरिक पाप को रोक सकता है, आंतरिक पाप को रोक सकता है, लेकिन खत्म यीशु कर सकता है। ध्यान से एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं सोचना अब पृथ्वी के नमक किसको कहा है, पृथ्वी के नमक किसे कहा है, ठीक है? तो अगर यहां पे देखे तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने पाप को रोक सकता हूं लेकिन खत्म नहीं कर सकता। खत्म के लिए आपको यीशु की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। और ज्योति सही या गलत को सामने लाती है ताकि वचन के आधार पर सही किया जा सके। हालेलुया। ज्योति, अगर आप नमक के अनुसार अंदर से ठीक हैं और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको बता रहे हो कि ये वचन के अनुसार सही नहीं है, गलत नहीं है, तब आप सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी के नमक और दूसरों के लिए ज्योति हैं। हालेलुया। 15वां वचन, 15 और 16 एक साथ पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। आइए आगे बात देखते हैं। क्या हमें देखकर कोई कहता है कि यह यीशु का चेला है? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ये सच में ये मसीह है? सच में नहीं, थोड़ा बहुत ही, यहां इतना ही कह दो कि ये चर्च में जाता है। जब हम हमारे मोटरसाइकिलों को देखता है कोई, या हमारे घरों में कोई आता है, कोई देख के कह सकता है कि ये मसीह में है? हमारी दुकानों को देख के कोई कह सकता है ये मसीह में है? आपकी दुकानें, आपका घर, आपका बाइक, आपका कुछ भी, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी देख के कोई ये जब कहेगा ना कि सच में मसीह में है, वो आप इनडायरेक्टली गवाही दे रहे हो। हालेलुया। गवाही देने के दो तरीके, एक होता डायरेक्ट किसी को जाके बताना, एक इनडायरेक्टली। इस बात को ध्यान रखें, गवाही देने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पाप क्षमा हुए हैं, वैसा ही बोझ आपने दूसरों के लिए रखना है कि उनके पाप भी क्षमा हो ताकि वो स्वर्ग राज के अधिकारी हो सके। हालेलुया। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, मतलब ये हम में से कितने हैं जिनकी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई और की स्टोरी देखकर कोई कह सकता कि ये चर्च में जाता है, ये मसीह में मानता है, मसीह को मानता है। मैंने पहले कुछ दिन पहले किसी भाई से बात कर रहा था, मैंने उसको ये नहीं पूछा कि ये चर्च की वीडियो क्यों नहीं शेयर कर, मैंने उसको वैसे ही पूछा मैं कोई मसीह वीडियो क्यों नहीं शेयर करता। उसने बोला कि जो मेरे सर्कल वाले हैं ना वो दूसरे हैं। क्या है तो प्रचार किनको करना, हमने दूसरों को तो करना है। फिर अगर अपने फेसबुक पेज पे मसीह वीडियो नहीं शेयर कर रहे, अपनों को तो प्रचार करने के लिए तो हम बैठे हैं, समझ आए? मैं आपके प्रोफाइल पे जाके तो नहीं प्रचार कर सकता ना, तो आप ही करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, वचन के अनुसार हर कोई व्यक्ति प्रचारक है। प्रचारक पता क्या है, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं यदि आप यीशु पे विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि अब बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत बार ये कंप्लेंट उन्होंने इसने कंप्लेंट की कि जो मेरे सर्कल वाले हैं ना वो डिफरेंट है, ठीक है, वो इन सब बातों को नहीं मानते, वो वचन को नहीं मानते। अरे वो वचन को नहीं मानते इसीलिए आपको शेयर करने के लिए बोला ताकि वो वचन को माने। हालेलुया। इस बात को समझो कि आपने शेयर इसलिए करना है क्योंकि उनका सर्कल डिफरेंट है। उनका सर्कल कौन सा है? वो गंदे काम करते हैं, पापों में है, ठीक है, नशे करते हैं। आप वचन शेयर करोगे तो उनका सर्कल सुधरेगा। हालेलुया। उनका सर्कल सुधरेगा तो वो अपना सर्कल सुधारेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। अगर आपको समझ में आया है तो आज से इसी वक्त से वचनों को दूसरों को भेजना शुरू करें, दूसरों को दिखाएं। आज संसार में दो दुनिया है, एक तो हम जो रह रहे हैं और दूसरी दुनिया है सोशल मीडिया दुनिया, ठीक है, जिसके अंदर लोग, बच्चे, आजकल नौजवान के हर कोई रह रहा है, हर कोई यूज कर रहा है। इसका मतलब ये कि हमने वहां पे भी वचन को भेजना है। नेक्स्ट कलर ट्यून्स, पीछे
कॉलर ट्यून्स। कभी कभी पास्टर जी मैं फोन करता हूँ, आगे से पता नहीं क्या क्या अलग अलग गाने सुनने को मिलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थोड़े दिन पहले मैंने किसी को फोन किया, कोई और गाना था, तो मैंने वैसे पूछा, फिर मैंने दोबारा फोन किया, कॉलर ट्यून चेंज थी। परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे समझदार लोगों के लिए, जो तो समझदार है उसको तो इशारा ही काफी होता है। हालेलुया। कॉलर ट्यून्स ध्यान रखो, आपको कोई मान लो हमने फोन किया, हमें भी दूसरा गाना सुना, दूसरे ने फोन किया उसको भी दूसरा गाना सुना। अब जो दूसरे व्यक्ति ने फोन किया उसको क्या फर्क समझ में आएगा? समझ में आएगा? कोई नहीं आएगा। आपकी कॉलर ट्यून बहुत मैटर करती है, कॉलर ट्यून कौन सी रखते हो, क्योंकि जब कोई दूसरा कोई आपको फोन करेगा, मसीह गाना चलेगा वो, अगर तो वो पहली बार ये क्या गाना पूछेगा, नहीं पूछेगा तो उसके मन में जरूर एक बार आएगा, दूसरी तीसरी बार जरूर पूछेगा। कॉलर ट्यून से भी गवाहियां होती है। हालेलुया। टेस्टिमनी, व्हाट इज बिगेस्ट टेस्टिमनी, सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही एक ही है, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है। और जब हम पापों से क्षमा हो चुके हैं, तब हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, और धर्मी होते हुए हमने कुछ चीज़ों से आज़ाद होना है, और आज़ादी में समय लगता है। आज़ादी में क्या लगता है? समय लगता है, उसके लिए एक यात्रा लगती है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, तो लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें। एक व्यक्ति को बताता हूँ, इसका नाम है, ये प्रभु का दास है, फ्रेंच पाइटियस फ्रांसिस फेनोनोल। 1651 में पैदा हुए, 1715 में इनकी मृत्यु हो गई। अब एक कहानी, कितनों ने एक व्हाट्सएप वीडियो देखी थी जो मैंने ग्रुप में डाली थी, वो वीडियो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है, ये प्रभु का दास था। प्रभु का दास इतना नूर में रहता था, प्रभु के साथ इतना रहता था कि एक बार कहीं जा रहा था तो इनको एक सराय में रहना पड़ा। सराय पता क्या होती है? जब सफर करते हैं तो कुछ जगहें होती थी जहां पर वो रात काट सकते थे, ठीक है। जब सफर में जाते हुए अगर रात पड़ गई तो कहीं पे रुक के, तो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। तो क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली तो वहां पर उस दास के साथ, सुनिए ध्यान से, एक मिनट, कोई बात नहीं, इधर ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति के साथ प्रभु के दास को रहना पड़ा। किसको रहना पड़ा? एक रात, मतलब प्रभु का दास भी सफर पे निकला, वो व्यक्ति भी सफर पर निकला, तो एक जगह ऐसी आ गई कि उन्हें एक जगह इकट्ठे रहना पड़ा। पता क्या हुआ? जब दूसरी सुबह हुई ना, तो वो जो दूसरा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे विश्वास करता था, वो फटाफट सूरज उगने से पहले ही वहां से भाग गया। और किसी ने जब बाद में कोई बात हुई तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ एक रात और रहा तो मैं मसीह बन जाऊंगा। हालेलुया। इस हद तक परमेश्वर का नूर था उसके अंदर। हम में से कितने हैं जो इस हद तक रखते हैं? अपने आप को पहचानो, अपने आप को जांचो और परखो। सीरियसली बोल रहा हूं, अपने आप को जांचो और परखो। कोई परमेश्वर में आए या ना आए, ये परमेश्वर के हाथ में है। आपका काम है वचन सुनाना। हालेलुया। ठीक है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, वो काम है पवित्र आत्मा का। बिना पवित्र आत्मा के कोई यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इसलिए आप अपना काम करो। देखिए, पवित्र आत्मा कब काम करेगी? जब आप एक स्टेप उठाओगे तो पवित्र आत्मा वो काम करेगा वहां पे। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, दूसरों को गवाही देना है। 17वां वचन, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। नीचे एक लाइन पढ़िए, वह इन बातों को और मजबूती से पूरा करने के लिए आया। अब पुराना नियम, जो बाइबल को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बाइबल में कितने नियम है? पुराना नियम और दो नियम है। पुराने नियम के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक मसीहा पैदा होगा, और नए नियम में वो पैदा हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बहुत लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को ये कहने लगे कि ये पुराने नियम को खत्म करने आया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे जवाब दे रहा है, मैं पुराने नियम को खत्म नहीं करने आया। जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था ना कि मसीह आएगा, मैं वही मसीह हूँ, और जो बातें परमेश्वर के द्वारा उन्होंने कही थी, उन बातों पे भी चलने के लिए आपको प्रवोक करता हूँ, आपको उत्साहित करता हूँ। उसको खत्म करने के लिए नहीं आया था। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
अब बात एक ध्यान से सोचिए, एक बिंदु इतना छोटा होता है और एक मात्रा इतनी छोटी होती है। जो पढ़े लिखे मेरे भाई बहन है वो ध्यान से इस बात को समझ सकते हैं। जब वचन में से ये नहीं पूरा हुए बिना टलेगा, इस बात को ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर में हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यानी पंजाबी में हम बहुत बार बच्चों कहते हैं ये टलदा नहीं है, कि नहीं होता ये टल, मतलब ये कि वो हटता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन भी उससे कई गुना बड़े, परमेश्वर का वचन पूरा होगा ही होगा। अगर ब्रेक है तो वो आपकी तरफ से है, परमेश्वर के वचन की तरफ से नहीं। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि वो पूरा होगा, लेकिन कमी कहाँ पे आ जाती है, हम बिगड़ जाते हैं, हमारा स्वाद बिगड़ जाता है। समझ में आई? स्वाद ना बिगड़ने दो ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। लास्ट, अगर हम नमक और ज्योति की तरह रहकर मसीह जीवन में आगे बढ़े तो परमेश्वर के वचन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। नमक अंदर से साफ होना है, ज्योति दूसरों को साफ करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार ये जीवन पूरा है आपका। हालेलुया। नमक अंदर से साफ हो, ज्योति दूसरों को साफ करो, यही परमेश्वर का दर्शन है। अपने को पहले साफ करो फिर दूसरों को साफ करो, ये यीशु का पहाड़ी उपदेश है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में औरों को भी लेके जा सको। हालेलुया। 19वां वचन, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी, क्या लिखा है, हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं मानते हैं परमेश्वर के वचन की, छोटी छोटी छोड़ देते हैं। लिखा है किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, मतलब खुद भी तोड़ेगा आज्ञा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कितने लोग सच में परमेश्वर के राज्य में एक आदर के साथ प्रवेश करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूं, मुझे आपका नहीं पता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे जाके शाबाशी दे, मुझे लोगों की शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे मेरे परमेश्वर की शाबाशी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मैं बहुत बार आपको क्या YouTube खोल के देखना, आपको मोटिवेशनल वीडियो सुनने को मिले, वहां पे पता क्या होता है कि आप उत्साहित करो, शाबाशी दो, ठीक है दो, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मीठा मीठा दोगे तो ज्यादा नहीं काम देगा। उसको साफ साफ बोलो, ये काम करेगा तो ये होगा, ये काम नहीं करेगा तो ये नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को घर पे जाके पूछो तो मैं उनको उनसे कभी भी मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ, 11 बजे मतलब 10:55 5 मिनट मैं पहले बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको और उनके साथ हाँ में हाँ रखोगे, ना में ना रखोगे, उनको परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में से दिखेगा। हालेलुया। आगे लिखा है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट एक चीज बड़ी खास पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, छोटे छोटे झूठ। क्या लिखा है? अच्छा, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ी होती है। अब देखो कैसे, किसी का फोन आया, हेलो कहां पे हो, बस यहीं पे हूं, बाजार में, अगर बाजार में हो तो बाजार में बताओ, वो कहीं और बताएगा। कईयों को झूठ पढ़ने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, और वचन के अनुसार झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना छोड़ दो, आपकी 50% तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। झूठ बहुत डेंजरस चीज है। सबसे पहली बात, दो चीजें सुनना, पहली बात तो झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है, या तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर या तो आपके आपके माता पिता जाने से रोक रहे हैं, या आपका बड़ा भाई बहन, या आपको वचन रोक रहा है, ठीक है, तो आप झूठ कब बोलते हो, जब आप गलत जगह पे होते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, झूठ बोलने की नौबत ना आए कि आप गलत जगह पे ना जाओ। हालेलुया। सही जगह पे जाओ, जब फोन आए तो सीधा सही तरीके से बताओ, ताकि परमेश्वर भी खुश, आपके माता पिता भी खुश। हालेलुया। झूठ बोलना बंद करो, छोटे छोटे झूठ झूठ बोलना बहुत डेंजरस है। झूठ बोलना बहुत क्या है, झूठ बोलना बंद करो, ठीक है। अब बहुतों के, अच्छा मैं कुछ दिन पहले किसी के घर में गया, मुझे पता है उनकी कितनी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और हीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बिजली का हीटर। मेरे को इतना जरूर पता है कि ये मीटर में तार नहीं लगी हुई। मसीहो, अगर बिजली की चोरी करते हो तो आप नमक नहीं हो, आप ज्योति नहीं हो।
ध्यान से सुनो, फिर से बोलता हूं, मसीहियो अगर बिजली की चोरी करते हो आप इस वचन के अनुसार ना तो नमक हो ना ज्योति हो। हालेलुया। अगर मीटर में तार नहीं लगी है, पूरी सर्दियां हीटर डायरेक्ट चलाया है, तो सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगो और वादा करो कि अगली सर्दियां मैं कोयले लाऊंगा, उससे सेक लूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। हालेलुया। ये चोरी आपके लिए, छोटी सी चोरी आपकी बड़ी आशीषें रोकेगी, ये वचन का कहता है। हालेलुया। आपकी छोटी चोरी बड़ी आशीषें रोकेगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? मीटर में तार मत लगाया करो, मीटर में तार लगाया करो, कोई नहीं। अगर हीटर लगाना है तो हिम्मत रखो उसका बिल देने की। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो वफादारी पे देगा। छोटी, अच्छा, पाप के साथ मैनेजमेंट, कई ऑफिस में बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं कि वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बहुत बार हम भी पाप को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? मैनेज। वचन पाप को मैनेज करना नहीं कहता, वचन पाप को छोड़ने के लिए कहता। हालेलुया। शराब ना पीना पर, अच्छा, खाली स्थान भरो, शराब ना पीना पर खाली स्थान खाने बैठना, भरो इसको खाली स्थान को, है ना। मैं बढ़ता हूं, शराब ना पीना पर भुजिया खाने बैठना, ये वचन के खिलाफ है। अगर आप दारू नहीं पीते, गलत काम नहीं करते, तो उनके साथ भी नहीं बैठना है। ये छोटी सी छोटी आज्ञाओं को जब आप तोड़ोगे, स्वर्ग राज्य में छोटे हो जाओगे। इन आज्ञाओं को बड़ा मानो, इनको मानो। खाली स्थान का ध्यान रखना। अगली बार चोरी करना, चोरी हर तरह की है। आपके बच्चे आपके सामने नकल मार के काम कर रहे हैं, उनको रोको कि तू चोरी कर रहा है। टीचर ने तुझे बोला खुद मेहनत करके काम कर, खुद एक्सरसाइज कर, खुद लिख, आगे बढ़ना है। वफादारी उनको आप सिखाओ। कितने माता पिता हैं अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलते हैं? कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं? जो आप उनको दिखाओगे वो आप सीखोगे, क्योंकि जो आप सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे। जो माता पिता सिखाएंगे वो सीखेंगे नहीं, जो आप उनको दिखाओगे वो सीखेंगे। हालेलुया। ये पहाड़ी उपदेश वाली सीरीज तो बड़ी खतरनाक है। हालेलुया। ये यीशु की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है। अब बाइबलें आपके पास है, हो सकता है कि बच्चों ने कुछ गलत कॉपी पेस्ट कर दिया हो, स्क्रीन पे कुछ गलत हो, लेकिन बाइबलें पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो भी डल जाएगी, फिर से चेक कर लेना। 19-20 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। यहां पे आपको एक मैं बात समझाता हूं। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों, ये वो लोग थे जो किसी को प्रेम नहीं करना वचन के अनुसार। इनका काम सिर्फ ये होता दिखावे के लिए प्रार्थना करना, किसके लिए? हे प्रभु तू महान है। लेकिन उसके पास कोई थोड़ी सी रोटी मांगने आया, चलो नेक्स्ट, आगे चलो। ये दिखावे वाले नहीं बनना है। अगर बनना है तो दिल से मसीह बनना है, क्योंकि दिल से मसीह बनोगे तो बाहर मसीह दिखोगे। हालेलुया। क्योंकि बाहर का मसीही ज्यादा देर नहीं टिकता, जैसे शास्त्री और फरीसी नहीं ज्यादा देर टिके। ज्यादा देर कौन टिका? यीशु मसीह। हालेलुया। कैसे टिका? मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अंदर से होगे तो खुद भी जी उठोगे और दूसरों को भी जिंदा करोगे। हालेलुया। नेक्स्ट, पीछे सॉरी, धार्मिकता से बढ़कर ना हो, यदि उन पखंडियों से ऊपर तुम्हारी धार्मिकता ना हो, तो कभी भी प्रवेश ना करने पाओगे। इस बात को ध्यान रखिए, ये एक चेतावनी है हम हर एक मसीह के लिए जो मसीह के वचन को सुनता है। यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो बपतिस्मा लो, ये वचन के अनुसार है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बपतिस्मा लेना वचन के अनुसार बहुत जरूरी है, ताकि आप सबसे, आपकी गवाही वहीं से शुरू हो जाती है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं परमेश्वर के साथ अपना सही जीवन जी रहा हूं। हालेलुया। नेक्स्ट, हमने सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं, वरन दिल से परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। दिल से चलना है। कितने लोग आज से दिल से चलेंगे? दिल से कोई बात नहीं, अगर नहीं दिल से चलना है तो हाथ मत खड़ा करिए, क्योंकि आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना। हालेलुया। परमेश्वर के जो पहाड़ी उपदेश, अच्छा आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह की बातें दुनिया में ऐसे ही फैल गई? आज से 2000 साल से ये बातें चलती आ रही हैं।
कुछ खास है तभी चलती आ रही है। हालेलुया, कुछ खास है तभी चलती आ रही है। वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे, नमक और ज्योति की तरह बनते हुए परमेश्वर में बढ़ते जाओ। हालेलुया, नमक के बिना हमारा खाना कितनों को अच्छा लगता है? बिना नमक के किसी को नहीं अच्छा लगता। ध्यान दीजिए, अगर हमें पृथ्वी का नमक बोला गया है तो हम बड़े ही मूल्यवान लोग हैं, क्योंकि नमक किसी ना किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो परमेश्वर भी आपको किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, रोशनी क्या होती? दूसरों को रोशनी देती है, दूसरों को ज्योति होती देती है, ताकि दूसरे सही काम कर सकें। तो आपने रोशनी बनना है। आप दूसरों को कैसे सही करेंगे? पहले खुद सही काम करें। हालेलुया, पहले क्या, खुद क्या करें? खुद करेंगे तो आगे किसी को कह सकेंगे। हालेलुया, जितने मेरे खासकर नौजवान भाई बहन इस बात को ध्यान रखें, आज आप वचन को अनदेखा करोगे तो आज से 4 या 5 साल बाद ये नहीं कहना कि मेरा ये काम नहीं बना। परमेश्वर को अपनी जवानी दो, आपका काम बनेगा बनेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको अच्छा फ्यूचर देगा, देखना आप परमेश्वर के लिए गवाही बनेंगे। हालेलुया, इसलिए नमक के अनुसार छोटी छोटे झूठ बोलने पहले बंद करो, छोटी छोटी चोरियां करनियां बंद करो। ठीक है, कहीं में से आप फैक्ट्री में कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां से आपको कोई चीज ऐसे मिल गई और आप उठा के ले आए, वो भी चोरी है। अगर आपने कोई चीज लेनी है पहले पूछ के लेनी है, चोरी आपको पता है। देखिए, अच्छा मैंने कल मेरे बच्चों को, जितने भी बच्चे थे उनको बताया गलती और पाप के बीच में फर्क। गलती पता क्या होती है? जब कोई व्यक्ति गलती कर रहा होता उसे पता नहीं होता वो गलती कर रहा है। गलती ज्यादातर क्या होती है? कोई काम करते हुए होगी। लेकिन पाप क्या होता है? जब वो पाप कर रहा होता उसे पता होता है कि ये गलत है, वो फिर भी कर रहा होता है। हालेलुया, इसलिए पाप नहीं करना है। क्या नहीं करना है? छोटे छोटे झूठ, छोटी छोटी चोरियां, ये करनियां बंद करो, परमेश्वर के साथ वफादार रहो। हालेलुया, आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।